वो दोस्त बैठे थे, एक दोस्त से बोला कि आज मेरी बकरी ने अंडा दिया है। वो बोले तेरी बकरी ने अंडा दिया है? कि अंडा कैसा? बोले बकरी अंडा कैसे दे देगी? तो दोस्त बोला अरे मैंने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख दिया है। तो इन लोगों ने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है। तो इन्हें जो है बेरोजगारी नहीं दिखेगी, महंगाई नहीं दिखेगी। सीता मैया बहुत दुखी है बीजेपी के काम से, और पैसा खा गए तुम मेरे पति के नाम से। बताइए, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम ये मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जा हथेली पर लिए बोलता हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, अखबार नहीं लिख सकते। जाई ने कहा कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, ठीक है, तो बीजेपी आज एक गाना भी बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी में, फिर हम भगवा लहराएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, ये राम जी का नाम लेके सत्ता में आज विराजमान है, सुनिए विराजमान है, एक बात बताइए, राम जी अगर सत्ता के लोभी होते तो राजपाट छोड़कर वनवास ना चले जाते, और ये राम जी के नाम पर, राम जी सत्ता के लोभी नहीं। तब सुनिए अब सीता जी क्या कहती है, सुनिए अब सीता जी क्या कहती है। सीता मैया बहुत दुखी है बीजेपी के काम से, और पैसा खा गए तुम मेरे पति के नाम से। बताइए, नहीं ये उनका कहना नहीं है, इनका कहना है, उनका नहीं है। राम जी सत्ता के लोभी थे, सुनिए, राम जी राजपाट छोड़कर वनवास काटने चले। आज तक कांग्रेस ने कोई कराया बोलो, क्यों नहीं करा पाया? कुछ नहीं कराया, तभी तो वो बोल रही है कि हराम का पैसा खा गए, जो राम मंदिर बनना था कांग्रेसों ने खाया है आज तक। आज तुम उगल रहे इस बात को, राम मंदिर का पैसा खाया है कांग्रेस। मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बीजेपी वालों ने आपको देखा होगा, जितने भी बोल रहे हैं, एक ने मंदिर मस्जिद किया, शिक्षा रोजगार की बात ही नहीं की है, एक ने भी नहीं किया। आप वीडियो चला के देख लो, शिक्षा रोजगार की बात नहीं की, मंदिर मस्जिद की बात की है। रोजगार दूं क्या चाहिए? रोजगार अरे कितनों को दोगे? तेजित मत होइए, देखिए ये मैंने कहा था, सुनिए, मैंने मुद्दा ही बीजेपी के पास। मैडम इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये अंधभक्त है। अरे भैया रुकिएगा, चर्चा कर रहे बहस नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसके जैसे 6000 साल गुलामी की है ना, वो जो संविधान आने के बाद आजादी मिली है इनको, वो फिर चाहते हैं 6000 साल। उसका एजेंडा और उन्हीं के पास मुद्दा है, तो फिर आप लोगों को ऐसा है, जो ये लोगों को महंगाई नहीं दिख रही और जिन्हें मंदिर मस्जिद चाहिए, वो सारा काम धंधा बेरोजगारों को दे दे और खुद मंदिर मस्जिद में मस्त रहे, हम खुश है। और एक जो महंगाई ने नहीं दिख रही, इनके लिए दो चार्ट बने, एक जो है जो कह रहे हैं हमें महंगाई नहीं दिख रही, उनके लिए एक अलग रेट हो, पेट्रोल 150 रुपए उन्हें दिया जाए, और जो जो बेरोजगार है उन्हें 60 रुपए में दिया जाए। ये बताइए, ये जो इतनी हिंदूवादी बीजेपी बीजेपी करती है, देश के 80% आबादी हिंदू है, सुनिए, देश के 80% आबादी हिंदू है। हिंदुवाद का विरोध, हाँ बीजेपी आएगी तो आएगी, क्यों आएगी, क्यों आएगी, वो मतलब ये चाहते हैं, सुनिए मेरे सवाल का जवाब दे दे भाई साहब। संविधान का नारा कभी पूरी जिंदगी में नहीं लगाया होगा, जिससे ये चल रहे हैं, इस तरफ लहर दिख रही है, मोदी मैजिक खत्म हो रहा है या फिर से बरकरार हो रहा है? देखो मैडम, मुझे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या उसका सपोर्टर, मुझे 2 करोड़ प्रतिवर्ष यानी के 9 साल में 18 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दिखा दे, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी का प्रचार करूंगा। दिखा दे कोई मुझे प्रचार। स्टार्टिंग हुई थी जब भी इसी टाइम, मतलब जो इस टाइम चल रहा है बीजेपी कब शुरुआत हुई थी? बीजेपी कब शुरू हुई थी? बीजेपी कब शुरू हुई थी? बीजेपी पार्टी कब बनी थी? बीजेपी पार्टी कब बनी थी? ये करिए, हमारे देश में इतनी नदियां हैं, पीने का पानी की कमी नहीं है, इतनी नदियां बह रही हैं, तब भी हर व्यक्ति छोटे से लेके बड़ा पैसे लेके पानी पी के अपनी प्यास बुझा रहा है, जबकि विदेशों में इतनी नदियां चल रही हैं, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम, सुन ले पर सुन तो ले, प्यास प्यास बुझाने की बात है, सिर्फ एक पानी, एक घूंट पानी पीकर आदमी अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वो 5 रुपए का पानी खरीदता है, जबकि नहीं खरीदना चाहिए।
गवर्नमेंट को हर जगह सुविधा देनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी प्यास बुझाने के लिए कम से कम पानी तो मिले गवर्नमेंट की तरफ से। जब भी गांवों में जाते थे हर जगह नलकूप मिलता था, सब माताएं बहनें अपने पानी पी पी के घर लेके जाती थी। अब कितनी है, अब पीने का पानी मांग रहे हैं, सिर्फ मात्र पीने का पानी। सुनिए, चाय बेचता हुआ बीजेपी के राज में चोटी लग गया गांव में, लेटरिन चलेगा भैया। देखिए बीजेपी राज में हर घर नल और जल मिल रहा है। बीजेपी राज में देखिए नल जल पहुंच रहा है, पहले की सरकार है तो पानी कहाँ है, नल बल कहाँ है। देख तेरे भैया कितने नल लग रहे तेरे घर में, तेरे घर में कितने नल लगवा दिए, दिखाएगा? ₹1000 दूंगा, दिखा दे। चलो गांव में भी पकड़, ₹1000 अगर तू दिखा दे गांव में दिखा दे तू यार नल। कुछ मिनट की बात सुनो मेरी बात, पहले बेरोजगारी में बात नहीं कर रहे। क्या नाम है, पैदल चल रहा, कितने अंडा लगी हो, मैं चल रहा हूँ, चला भी बिजली बिल फ्री है गाँव में, ये सोच लो काम लगाती है। रोजगार पे बात नहीं कर रहा यार, उस पर कर रहा है यार, रोजगार की बात कर भाई, मजदूरी उसकी बात कर। क्या रोजगार दिया तुझे, क्या रोजगार दे रही है तो बता दे ना, किसके कौन से घर में लगा दिया, तेरे घर एक भी नल ना होने का यार, कैसी बात कर रहा। देखिए मैम सुनिए, ऐसा था दो दोस्त थे, सुनिए दो दोस्त थे, साइलेंट दो दोस्त थे, दोनों दोस्त बैठे थे, एक दोस्त बोला सुनिए ना होने ना यार, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ यार, 10,000 की सेल लगा, मैं यही दिखा दूँ। देखिए दो दोस्त बैठे थे, एक दोस्त से बोला कि आज मेरी बकरी ने अंडा दिया है। वो बोले तेरी बकरी ने अंडा दिया है कि अंडा कैसा, बोले बकरी अंडा कैसे दे देगी। तो दोस्त बोला अरे मैंने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख दिया है, तो इन लोगों ने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है, तो इन्हें जो है बेरोजगारी नहीं दिखेगी, महंगाई नहीं दिखेगी। ये कहते हैं ना कि अंधभक्त होने के लिए बहुत से गुण पाए जाते हैं, देखिए इन्हें फिल्में इतिहास लगने लगती हैं। अभी एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, उसको टैक्स फ्री कर दिया और किताबों पर टैक्स लगा दिया, समझते रहे ना, किताबों पर टैक्स लगा दिया, फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। मुजोरी करनी चाहिए जो पक्का वाला, जो 100 लोगों में लड़ जाए उसके लक्षण होते हैं, उसे सच नहीं दिखता, झूठ सही दिखता है। तो ये बहुत सी ऐसी कमियां पाई जाती हैं जिससे अंधभक्तों 2014 के बाद बहुत बड़े अंधभक्त पैदा हुए। एक बात बताइए, आपने देखा होगा देश के बहुत बड़ी एक्टर है कंगना रनौत, कंगना नरावत कहती है कि देश में संपूर्ण आज़ादी 2014 के बाद आई थी, और वहाँ पर लोग तालियां बजा रहे थे। तो ये मानसिकता है, ये मानसिकता खत्म करनी होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ चुकी थी, मैं जनता से जान रही थी कि जनता के मुद्दे क्या रहने वाले, एक तरफ तो नेताओं के मुद्दे, लेकिन मैं एक पहले शेर सुन लेती हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं भैया राजनीति को। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम ये मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जा हथेली पर लिए बोलता हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, अखबार नहीं लिख सकते। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जनता को दिखा दे, क्योंकि जनता ही असली फैसला करने वाली है चुनावों का, किसको गद्दी तक पहुंचाएगी ये देखना होगा। बहरहाल एक तरफ नेताओं के मुद्दे और दूसरी तरफ जनता के मुद्दे, जिनको लेकर मैं हाजिर थी। फिलहाल दीजिए इजाजत।